हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? आशा है सही होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और देखिए, आज है 2 तारीख है, आज है 2 जून, 2 जून है। और आज मौसम है काफ़ी गर्म, सवेरे से ही काफ़ी गर्म है। गर्मी तो दबा के पड़ रही है, लेकिन इस समय ज़्यादा गर्म है। और मनु गया हुआ है तो सब कुछ सुनसान है, कुछ नहीं है दूर दूर तक सारा। अभी शनि सो के नहीं उठा, वो 9 बजे के करीब उठता है। और ये गए हुए हैं घूमने, तो ये कुकर में लग रही हैं सीटियाँ, उसके बाद जो है ये नाश्ता करें चले जाएंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है ना, तो इस वजह से जल्दी चले जाएंगे। और मेरी आंखें कैसी लग रही, मेरा चश्मे के दिखाई नहीं देता सही। बस आगे क्या करते हैं ब्लॉग में, क्या होने वाला है तो वो देखिएगा आप लोग, इसी तरह बने रहिए। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये खुशक आलू है, और ये पूड़ी है, और ये रायता है। रायता क्या है, मट्ठा बना रही हूँ आजकल मैं, तो वही है। तो उससे मैं कर रही हूँ नाश्ता, इन लोगों का नाश्ता हो गया है, मैं भी नाश्ता कर रही हूँ। तो अकेले खाने को जी भी नहीं करता, मन्नू होता शरारत करता रहता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो और मन्नू को जल्दी ही बुलाऊँगी। और ये देखिए तोरी बनाई थी मैंने, इन्हें खाने को जी तो नहीं कर रहा है मेरा, बना के रख दी। दूसरे दिन की पिक है मेरी, क्योंकि मैं ब्लॉग जो डाल रही हूँ ना, बहुत स्लो स्लो डाल रही हूँ, जल्दी नहीं बना पा रही हूँ, डेली रूटीन नहीं बन पा रहा है। और ये देखिए मैं भिंडी बनाने जा रही हूँ, तो मैंने डाल दी है प्याज सवेरे सवेरे का है। ये दूसरे दिन, आज 3 तारीख हो गई है, आधी वीडियो 2 तारीख की है और आधी 3 तारीख की है, तो ये 3 तारीख हो गई है ना। तो ये मैं बनाने जा रही हूँ, प्याज को भून रही हूँ और धीरे धीरे चाय बनाऊँगी, और इसी के साथ में प्याज को भून के तैयार कर लूँगी, और फिर इसमें भिंडी और मसाला डाल के भिंडियों को रेडी कर दूँगी, बना के रख दूँगी। सवेरे का तो ऐसे ही होता है भाई, शिवांगी होती है घर में तो फिर काम बढ़ जाता है, शिवांगी किचन संभाल लेती है। तो बहुओं की अहमियत देखिए, जब बहू अपने मायके जाती है ना, सासों को तभी पता चलती है, तो मुझे भी पता चल रही है और आप लोगों को भी पता चलती होगी ना, बहू क्या काम करती है। देखिए अपनी बेटी काम करती हुई तो दिखाई देती है, लेकिन जब बहू काम करती है तो ऐसा लगता है कि ये फालतू के काम कर रही है, ये कोई मेहनत नहीं कर रही है। मेरा आप लोगों से यह अनुरोध है, अगर आपके घर में बहू है तो बहू के काम को ना बेटी के काम से कंपेयर करके देखिए। मेरे तो देखिए, मेरी आदत है, मैं तो शिवांगी और मैं हर काम को शेयर कर लेते हैं। शिवांगी की कोशिश यह रहती है कि वो मुझे ना ज़्यादा काम नहीं करने देती है, लेकिन फिर भी जो मुझे अच्छा लगता है मैं करती हूँ। और शिवांगी के जाने के बाद देखिए, बेटी को तो सब मिस करते हैं, बहू को भी मिस करते हैं या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, बहुत से लोग करते भी हैं, ऐसा नहीं है। और मैं तो बहुत ज़्यादा कर रही हूँ, इसलिए नहीं कि बहू चली गई है, इसलिए कर रही हूँ कि मेरा फ्रेंड चला गया। शिवांगी मेरी फ्रेंड है बहुत तगड़ी वाली, तो कहीं आना जाना हो, कोई भी काम करना हो, तो हम दोनों मिलकर ऐसे करते हैं, ऐसा लगता है जैसे हम एक उम्र के एक साथ के फ्रेंड हैं। वो मुझ जैसे, जैसे मैं हूँ आफ्टर 50, तो वो मेरे साथ जब बात करती है तो वो खुद आफ्टर 50 की हो जाती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो इतनी समझदारी से मुझसे बात करती है, किसी बात को समझाना हो, कोई भी काम करना हो। हाँ बस मैं उसका एक ही कहना नहीं मानती हूँ, जिसका मुझे बहुत दुख लग रहा है पीछे से। अब मैं सोच रही हूँ, मैं उसे जब वो आएगी तो प्रॉमिस करूँगी कि मैं उसकी इच्छा पूरी करूँगी। वो मुझसे कहती है, मम्मी आप थोड़ी देर सवेरे और थोड़ा देर शाम को टहला करो, जो मैं टहलती नहीं हूँ बिल्कुल भी, आलसी हूँ मैं बहुत ज़्यादा। वो मुझे बहुत डांटती है, मम्मी टहल के आओ, मम्मी टहल के आओ, मैं टहलती नहीं हूँ। अब मैं टहला करूँगी, क्योंकि मुझे उसकी इस बात का मान रखना है और अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ रखना है, अपने पैर सही करने हैं। मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, शिवांगी होती तो तेल लगा देती है, कभी कभी मैं खुद भी लगा लेती हूँ, कभी से नहीं भी लगा देता, ऐसा वो नहीं है, लेकिन मैं ज़्यादा बीमार बन के बिस्तर पे नहीं पड़ती हूँ। तो इस समय मुझे लग रहा है कि मुझे अपने पैरों को चलाए रखना चाहिए, अभी मेरी इतनी उम्र नहीं है कि मैं बिस्तर पे पड़ जाऊँ, सच है ना ये बात। तो हमें देखिए, जब तक मौत ना आए तब तक हमें इंतजार करना चाहिए, अपने आप को छड़ा मलंग बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए कि हम 16-18 साल के हैं और बिल्कुल चुस्त दुरुस्त हैं, तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे, सही रह पाएंगे। अगर हम अपने आप को उम्रदार समझ लेंगे और सोचेंगे ये काम हमसे नहीं होगा, तो हम कभी नहीं कर पाएंगे। शायद मेरे YouTube की जर्नी भी मेरी इसी सोच का नतीजा है, जो मैंने आफ्टर 50 शुरू किया है, तो देखते हैं उसमें कितना सफल होते हैं। इसकी सफलता तो देखिए भगवान को, मेरे को सफल करना पड़ेगा, तो इसमें ही मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं है, मैं लगी हुई हूँ इसमें भी, लेकिन घर भी देखना पड़ता है, तो पूरी तौर पर नहीं हूँ समर्पित, लेकिन हाँ थोड़े बहुत तो हूँ। उम्र को लेके या अपने किसी काम को लेके मैंने कभी कोई इशू नहीं बनाया है, ना मैं बनाऊँगी आगे। और देखिए धीरे धीरे भिंडी भी बनती जा रही है और आप लोगों से बात भी हो रही है। मेरी क्या आदत है, मैं बहुत सारे ब्लॉग देखती हूँ ना,
उन लोगों को देखती हूँ तो मुझे बड़ी प्रेरणा मिलती है। आपने देखा होगा एक है अनीता जी की दुनिया आयान मॉम, एक हैं शिवानी सिंह और हाथरस ब्लॉगर पूजा, मुझे इन लोगों के ब्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं। और राधिका राधिका जी का और मनीषा का, इनके चैनल देखती हूँ मैं, उन दोनों का ही मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरह से मैं सोचती हूँ कि जितनी हिम्मत इन लोगों ने की है अपने आप को साबित करने में, अनीता जी तो शायद लमसम मेरी ही एज की होंगी, तो मैं भी अपने आप को उसी तरह से स्थापित कर पाऊँ, तो इसलिए मैं लगी रहती हूँ। वैसे भगवान की दया से ऐसी कोई परेशानी नहीं है, कोई वो नहीं है मेरे को, लेकिन आप लोगों का प्यार पाने के लिए शायद भगवान ने मेरे को ये नज़रिया दिया है जो मैं पूरा कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग भी सहयोग कीजिएगा मेरे चैनल को। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने किसी फ्रेंड को, अपने दोस्त को दिखाइए, शेयर कीजिएगा मेरे ब्लॉग को। तो इसी तरह से मैं बनाती रहूँगी ब्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छे लगते हैं या कुछ चेंज चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा मुझे, मैं चेंज करूँगी अगर आप लोग बताएँगे कुछ तो। और इन्हीं बातों में चलिए, भिंडी को बहुत देर हो गई है, जल्दी बनाते हैं भिंडी। सौंफ, धनिया, हल्दी, मिर्ची और नमक डालकर मैंने कर ली है भिंडी तैयार। कुछ लोग सूखी खटाई भी डालते हैं और टमाटर भी डालते हैं, लेकिन खट्टी भिंडी मुझे नहीं अच्छी लगती, ना बेसन वाली अच्छी लगती है, तो मैं ऐसे ही बना रही हूँ। तो ये हमारी भिंडी अब हो जाएंगी तैयार, और उसके साथ होगा मट्ठा। मट्ठा बनाऊँगी मैं आज, हाथ से बेलूँगी, मिक्सी में नहीं बनाऊँगी। तो ये हो जाएगा मट्ठा तैयार। तो चलिए खाते हैं भिंडी से पराठा। और ये सनी का चश्मा है, मैंने देख रही हूँ लाइट वेट है, लेकिन देखने से ऐसा लगता है कि टूट जाएगा, तो मेरी तो इच्छा नहीं होती इतना कमज़ोर चश्मा लगाने की। अच्छा तो लग रहा है वैसे, इससे नीला नीला सा दिखाई दे रहा है, धूप का चश्मा है ये उसका, लेकिन मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। और मुझे तो अपना नज़र वाला ही अच्छा लगता है, ये मेरा डेली यूज़ का है। मैं दो चश्मे रखती ना अपने बना के, और इस एक कभी मनु तोड़ दे या खो जाए, मेरा खोता बहुत है, मैं भूल जाती हूँ ना, तो इसलिए मैं दो चश्मा रखती हूँ अपने पास ना। दूसरा ये है मेरा, ये मुझे बहुत पसंद है, इसका फ्रेम मोटा है लेकिन अच्छा है। तो आज के ब्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड, चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में।